इस बार बिग बॉस के सीजन 14 में एक ऐसा टिकटॉक का स्टार नजर आने वाला है जिसको देखकर आप डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे। कौन से वो स्टार है टिकटॉक के, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आपको याद हो, ये पैंडेमिक सिचुएशन जब शुरू हुई थी उसके साथ साथ एक और सिचुएशन शुरू हो गई थी, पूरे यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही बात चल रही थी, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि यूथ दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक हिस्सा जो है वो टिकटॉक का सपोर्टर है और दूसरा हिस्सा यूट्यूब का। लेकिन ये जहां से शुरू हुआ, यस, यानी कि आमिर सिद्दीकी नजर आ सकते हैं बिग बॉस सीजन 14 में, और इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि देखो कंफर्मेशन तो भाई सीधा प्रीमियर नाइट पर आती है। लेकिन हाँ, इस बात की रूमर्स जोरों शोरों से आ चुकी है और हर कोई इस बात को कह रहा है कि इस बार सीजन 14 में बहुत जल्द शायद आमिर सिद्दीकी नजर आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये सुर्खियां बहुत ज्यादा बटोरी गई और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों पर था ये सारा कुछ, यू नो, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, सो इस रीजन से आमिर सिद्दीकी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। और बिग बॉस में दो ही चीजें काम आती है, या तो आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, या फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो, या फिर आप बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो। सो डेफिनेटली कॉन्ट्रोवर्शियल तो रहे हैं आमिर सिद्दीकी, जिस रीजन से उनका नाम सामने आ रहा है बिग बॉस सीजन 14 के लिए। सो देखना यह होगा कि क्या सच में उनको बिग बॉस की टीम ने अप्रोच किया है, अगर हाँ तो क्या उन्होंने हाँ की है बिग बॉस में आने के लिए। लेकिन आप लोग क्या आमिर सिद्दीकी को बिग बॉस में देखना चाहेंगे, हाँ या ना, या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी। जी हाँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है कंगना रनौत का। किस एक्ट्रेस पर डिग लिया है कंगना ने, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत ने हाल ही में दीपिका पादुकोण पर डिग करते हुए सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो, जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई थी और डिप्रेशन की थ्योरी आग की तरह वायरल कर दी गई थी बॉलीवुड के जरिए, ऐसे में दीपिका पादुकोण ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और नेक्स्ट डे से ही लगातार उन्होंने डिप्रेशन को लेकर तमाम कोट्स डालने शुरू कर दिए। रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज अ सीरियस इलनेस, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन कैन नॉट बी टेकन लाइटली, इस तरह के ब्ला 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 स्टेटमेंट्स उन्होंने डालना शुरू कर दिए। अब कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दीपिका पादुकोण पर डिग लिया है। जी हाँ, कंगना ने लिखा कि रिपीट आफ्टर मी कि डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी, और साथ ही साथ उन्होंने लिखा जस्टिस फॉर एसएसआर एंड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस फॉर एसएसआर। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार ये डिप्रेशन की जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा आजकल बिक रही है। कहीं ना कहीं की गई करतूतों को भी डिप्रेशन की थ्योरी दिखाकर पीछे छुपाया जा रहा है। और इसी चीज़ पर लिखते हुए आगे कंगना ने यह भी लिखा कि जब दीपिका पादुकोण सामने आई 10 साल बाद और कहा कि मुझे डिप्रेशन है, 10 साल पहले हुए किसी ब्रेकअप के बाद उन्हें ऑल ऑफ अ सडन डिप्रेशन आ गया, तो सभी ने उनको बिलीव किया और हम भी उन्हें बिलीव करते हैं। लेकिन जब मेरे और सुशांत जैसे लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम डिप्रेशन में नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं, तो कोई हमारी बात क्यों नहीं मानता, तो फिर हम पे भी ट्रस्ट करो ना। तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल सच है। कंगना का कहना है कि 10 साल पहले हुए ब्रेकअप के बाद अगर दीपिका डिप्रेस हो सकती हैं, तो फिर अगर आप उनकी बात मान सकते हैं, तो फिर हमारी बात भी माननी चाहिए। हम पर मेंटल इलनेस और हम पर स्किज़ोफ्रेनिया और हम पर डिप्रेशन ये थोपा क्यों जाता है, हम पर थोपिए मत। अगर हम कह रहे हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, और अगर सुशांत की फैमिली कह रही है कि सुशांत कभी डिप्रेस नहीं थे, उनके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो कभी डिप्रेस नहीं थे, तो फिर इंडस्ट्री क्यों ये दिखा रही है कि सुशांत अकेले थे और डिप्रेशन में थे। अब आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए, लेकिन मैं कंगना की बातों से 100% सहमत हूँ। इस वक्त अगर कोई मुद्दा जोरों शोरों से इंडस्ट्री में चल रहा है तो वो है इनसाइडर और आउटसाइडर का मुद्दा। जी हाँ, और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दी है बॉबी देओल ने। क्या कुछ कहना है बॉबी देओल का, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि बॉबी देओल इस वक्त अपनी सेकंड इनिंग्स, आप कह सकते हैं सेकंड इनिंग्स इस वक्त उनकी चल रही है इंडस्ट्री में, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन इस पर बात करते हुए हाल ही में बॉबी देओल ने एक वेब पोर्टल से बात करते वक्त इस बात को कहा कि मैं भले ही इनसाइडर हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा हूं। जी हाँ,
बॉबी देओल ने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब मुझे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे, जब मेरा कोई काम नहीं चल रहा था, जिस वक्त मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, मुझे कोई कुछ ऑफर कर ही नहीं रहा था। वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ शराब को अपना सहारा बना लिया था और मैं सिर्फ शराब पीता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई काम कोई ऑफर करने ही नहीं वाला। बट उसके बाद सेकेंड पारी शुरू हुई मेरे लाइफ की, उसके बाद से अब मुझे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, वेब सीरीज़ ऑफर हो रही है और इस तरह की तमाम चीज़ें कही। मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में बॉबी देओल की वेब सीरीज़ आ रही है आश्रम, और उसके अलावा भी एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर बॉबी काम कर रहे हैं। और इसी दौरान इंटरव्यूज़ के दौरान, इन्हीं प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान, उन्होंने इस बात को कहा कि भले ही मैं इनसाइडर हूं लेकिन उसके बावजूद मैं संघर्ष कर रहा हूं। सो यहां पर बॉबी के अनुसार इनसाइडर और आउटसाइडर की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू वर्क एंड इट इज ऑल अबाउट आपकी किस्मत में क्या क्या चीजें हैं। तो एज ए व्यूअर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान के रिश्ते के बारे में आज बातें खुलकर सामने आई हैं, और ऐसे में कंगना रनौत ने इनके रिश्ते पर क्या कुछ कहा है और इन जनरल स्टार किड्स पर क्या कुछ बातें कही हैं, चलिए आपको मैं बताती हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड सैमुअल होइकिप ने एक पोस्ट जारी किया जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुशांत एंड सारा वर मैडली इन लव, दे यूज टू रिस्पेक्ट ईच अदर, काफ़ी रिस्पेक्ट थी एक दूसरे को लेकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से सोन चिरैया के फ्लॉप होने के बाद सारा अली खान ने बॉलीवुड माफिया के प्रेशर के वजह से सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप कर लिया। अब मैं आपको बताऊँ कि कंगना रनौत ने हाल ही में इस बात को कहा कि स्टार किड्स और या ये जो नेपोटिज्म किड्स हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वल्नरेबल जो एक्टर्स होते हैं, क्यों वल्नरेबल जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं एक फिल्म के दौरान और फिर उनके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई एक फिल्म फ्लॉप हो जाए तो आप उसको छोड़कर चले जाते हो। बिकॉज इसी तरह की कोई चीज़ मेरे और ऋतिक रोशन के साथ हुई थी, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि जो भी मेरे और ऋतिक रोशन के बीच में था उस दौरान वो सब जेन्युइन था। फिर मुझे नहीं पता कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि ऋतिक का माइंड डाइवर्ट हो गया, उसका माइंड चेंज हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं सारा अली खान की फैमिली यानी कि उनकी मॉम ने भी उन्हें उतना ही इक्वली प्रेशर किया, उनकी मॉम ने भी उन्हें इक्वली उतना ही ज़्यादा बार बार कहा कि तुम्हें सुशांत के साथ रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की सारी चीज़ें कंगना रनौत ने कही। उन्होंने कहा कि क्यों नेपोटिज्म के ये जो किड्स हैं, क्यों ये स्टार किड्स जो हैं ये हम जैसे वल्नरेबल आर्टिस्ट्स को, वल्नरेबल एक्टर्स को एक इमोशनल स्पेस देते हैं और फिर यूँ छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नो डाउट कि क्यों इस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन छूटे जाने पर क्यों वो एक ऐसी वल्चरस लाइफ में धंस गया, ऐसी वल्चरस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसको प्यार की ज़रूरत थी। इसीलिए वो उसके बाद उस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद इसीलिए वो ऐसे रिश्ते में चला गया, और ऐसे रिश्ते से ऑब्वियसली उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती के साथ रिश्ते में चले गए बिकॉज ही वॉज दैट मच वल्नरेबल फॉर अ रिलेशनशिप। अब आप लोग मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितना सहमत हैं इन सभी बातों से। आदित्य पंचोली जिनके बेटे सूरज पंचोली का नाम लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया है कि सीबीआई अब इस केस की जाँच करेगी, ऐसे में कई लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में अब एक आदित्य पंचोली का नाम भी शामिल हो चुका है। जी हाँ, आदित्य पंचोली ने हाल ही में मीडिया पोर्टल से बात करते वक्त इस बात को कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इस जजमेंट से और मैं उम्मीद करता हूँ कि जस्टिस सर्व हो और जस्टिस हो सुशांत के केस में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर उन्होंने रेफर किया अपने बेटे को। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मासूम लोग जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उनकी बार बार उनका नाम जो है इस केस में घसीटा जा रहा है, जिस रीज़न से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो केस है अच्छा हुआ कि सीबीआई के पास पहुँच गया ताकि सच बाहर आए, सच सबके सामने आए, क्या कुछ हुआ वो सबके सामने आए, और जो लोग निर्दोष हैं जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं बेगुनाह साबित हों। सो कहीं ना कहीं आदित्य पंचोली ने अपने बेटे सूरज पंचोली के रेफरेंस में इस बात को कहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और ज़बरदस्ती उनका नाम जो है ड्रैग किया जा रहा है, सूरज पंचोली का नाम ड्रैग किया जा रहा है दिशा सालियान के साथ, और इस पूरे मुद्दे में ड्रैग हो रहा है। सो ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, यानी कि आदित्य पंचोली ने कहा कि मैं भी खुश हूँ कि फाइनली सीबीआई जाँच करेगी और जिन निर्दोष लोगों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बेगुनाह साबित होंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।